जून को हुई थी। 14 जून को दो महत्वपूर्ण चीजों की अनाउंसमेंट हुई। एक 10.5 लाख जॉब्स गवर्नमेंट के लिए, एंड दूसरी अनाउंसमेंट अग्निपथ स्कीम की, जहां पे केवल 46,000 वैकेंसीज थी। बट किसी वजह से ये पूरी दौड़ 14 तारीख से इन 46,000 वैकेंसीज की तरफ चली गई, और उसमें आप लोगों का योगदान काफी है। गो नेक्स्ट। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टी टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टी टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक CDS का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। अब उसी चीज को आगे ले जाते हुए हमने जो नेक्स्ट रिफॉर्म था वो था कि किसी तरीके से जो एज हमारी 32 साल है, ये देखिए ये बता रहा है 30 साल 1989, आज ये 32 साल पहुंच गई है, 32 साल को किस तरीके से 26 साल ला सके। ऐसा क्यों? हमारे को यूथफुल प्रोफाइल चाहिए। ये क्यों चाहिए? बिकॉज आप सबको मालूम है 2030 के अंदर हमारे देश के अंदर 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है दे आर 32 years? ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल, एंड ये सीरियस वर्क। पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी, तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र 26, 27, 28। नंबर 2, भर्ती होने के तरीके कितने किस्म के हैं? कम से कम 3 से 4 तरीके हैं भर्ती होने के लिए, एंड सबके अंदर जब वो बाहर निकलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। कितने साल में जा सकते हैं? 2 साल, 3 साल, 4 साल। सो मल्टीपल एंट्री एवेन्यूज हैं, मल्टीपल एग्जिट एवेन्यूज हैं, एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं बाहर जाने की। इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। देखिए हमें चाहिए क्या? यूथ। नो, यूथ हम सबको मालूम है वो रिस्क ज्यादा लेता है, उसके अंदर जुनून ज्यादा है, जज्बा ज्यादा है। इस जुनून जज्बा को कैप्चर करना जरूरी है, बट ये जुनून जज्बे के साथ में हमें होश की भी जरूरत है। जिसको नेक्स्ट। नाउ देखिए, आज जो करंट सिपाही से जो उसके ऊपर होदेदार है, आप सिपाही का जो है वो आप उसको जोश का कंपोनेंट मानिए, और जो 1.28 का कंपोनेंट है एनसीओ से ऊपर, मतलब नायक हवलदार नायब सूबेदार हमारे जैसे होदेदार, वो सब मिला के 1.28 है। हम चाहते थे कि ये यूथफुल प्रोफाइल आने से जो जोश और होश का कंपोनेंट है ये तकरीबन बराबर हो जाए, एंड इससे होगा क्या, आइडियल मिक्स यूथफुलनेस एंड एक्सपीरियंस का। अगेन गोइंग बैक, जोश और होश का एक्सपीरियंस तकरीबन बराबर हो जाएगा। गो नेक्स्ट। सी, आज देश के अंदर आपको मालूम है कि फौज की कितनी रिटायरमेंट्स हैं, ये आप सबको मालूम है। फौज के अंदर, आर्मी के अंदर तकरीबन 45,000 से 60,000, नेवी के अंदर तकरीबन 2,500 से 3,500, एयरफोर्स के अंदर सिमिलर नंबर, वो सिर्फ 5,000 हो जाता है। हाउएवर, जो आपको पता होना चाहिए, ये नंबर्स हैं जो हमारे प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले रहे हैं। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब क्या है? प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का मतलब ये है कि अगर मैंने इस फौज के अंदर 25 साल 30 साल, मैं अभी 59 ईयर्स का हो गया हूं, 60 में मैंने रिटायर करना है, वो मेरी पूरी एज सर्विस की है। बट इतने तादाद में लोग हैं, इंडियन आर्मी में तकरीबन 14,000, इंडियन नेवी में तकरीबन 3,000, एयरफोर्स में तकरीबन 500 से 600, ये लोग आज भी बाहर जा रहे हैं। इनकी उम्र क्या है? 35, 36, 38, ऐसी उम्र है। ये लोग सब जा रहे हैं। आज तक हमने किसी ने भी कोशिश नहीं की बोलने की ब्रदर ये बाहर जाके क्या काम कर रहे हैं। ओके, एंड आप इन तीनों को ऐड करो, ये 15,000, 16,000 तो वैसे ही बन गए। जब हम लोग बात कर रहे हैं 40, 46,000 की 4.5 साल के बाद, तो आप इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, इसके बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। गो नेक्स्ट। डोंट टेक इन कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर, जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है,
गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेज हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है ही विल गेट द सेम अलाउंस, अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा, अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है मुझे भी नहीं मिल रहा उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तर पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा, देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अपनी वीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है, और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचे, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैंक लोन यहां पे इसलिए डाला है बिकॉज ये बार बार आ रहा है कि भैया 4 साल के बाद क्या, तो 4 साल के बाद क्या मैं इसके बाद आपको बताता हूं। गो नेक्स्ट। सी सेवानिधि पैकेज थोड़ा और विस्तार से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 11.71 मैंने आपको पहले बता दिया है, सिर्फ एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा है कि इनकम टैक्स फ्री है। हाउएवर देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देगा, और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इसी तरीके से उसको हमारे से भिन्न नहीं रखा है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी, अगर किसी कारण मैं ये टाइगर हिल की तरफ दौड़ रहा हूं या कुछ हो रहा हूं, मेरे कुछ गोली लग गई एक्सेट्रा, सेम प्रोविजन, जो मेरी प्रोविजन है वही उसकी प्रोविजन है, देयर इज नो फर्क फॉर एन अग्निवीर। गो नेक्स्ट। नाउ कमिंग व्हाट आफ्टर 4 इयर्स, जिसकी वजह से आई एम श्योर आप यहां पे इकट्ठे हुए हैं। देखिए पहले हमको ये समझना है, ये 17.5 साल से 21 साल, जो पहले साल के लिए 2 साल बढ़ाया गया तो 23 साल, ये निकलेगा कौन सी उम्र में? इसकी कम से कम उम्र होगी 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल। आप में से बताइए कि 27 साल या 25 साल की उम्र में कितनों को जॉब्स लग गई थी? आपको इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट आपको मालूम है कि 25 साल के अंदर आपकी जॉब कहां थी कहां नहीं थी। कमिंग बैक, आप 10वीं क्लास पास हैं जब आप हमारे साथ आए, 70% से लेकर 60% तक 10वीं क्लास पास हुए। क्या प्रावधान करा गया है कि आपको 12वीं क्लास सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी तरह यहां पे नो क्लासरूम में बैठेंगे, ऐसे नहीं है। आजकल स्किल इंडिया, फिट इंडिया, ये सब प्रावधान है। पूरे फौज के अंदर आज जैसे 14 लाख सैनिक हैं, ये 14 लाख सैनिक आपको 1 घंटे में आप बोले तो आपका 5 किलो वजन घटा सकते हैं, आप अगर बोले 1 महीने में 6 किलो घटाना है वो घटा सकते हैं, ये उनकी स्किल है। आप लोग सब जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं एक क्या कहते हैं जिम के अंदर, ये उसको अपने आप इंग्रेन होती है, ये हम रोज करते हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सैटरडे संडे, ये उस बेचारे के लिए वो नहीं है, तो वो सब जगह ये कर रहा है। तो ये स्टार्ट पॉइंट है उसका, उसको फिट रखना हमारा काम है, बिकॉज उसका काम जो अल्टीमेटली उसको प्रोड्यूस करना है फौज की और देश की रक्षा के लिए, ये चाहिए उसके लिए। साथ साथ में लॉजिस्टिक्स, आपने आज नाम सुना अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा का, ये हमारी फौज में जिस दिन से हम खड़े हुए हैं उस दिन से है। सिर्फ हम पैकेट के अलावा बम लेके चलते हैं जो देश के भीतर से चलता है और फाइनली अक्रॉस द बॉर्डर डिलीवर होता है। ये कैसे होता है? इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, और ये जवान सीखता है और करता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 10 साल में सीख रहा है, आई एम वेरी सॉरी, ये 10 साल में नहीं सीखता। अगर वो 1 साल में नहीं सीखेगा, उसको कुछ देर की 6-7 महीने ट्रेनिंग, फिर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग करता है हमारे साथ एंड इज रेडी फॉर इट। नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल इक्विपमेंट, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे वो हवाई जहाज हो, चाहे वो टैंक हो, वो मर्सिडीज या मारुति कार से बहुत सोफिस्टिकेटेड है। तो ये एक ऐसे इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है जो कंटेम्प्रेरी है, इट इज नॉट जो हम रोज चीजों के साथ छेड़ रहे हैं। मैं बात ही नहीं कर रहा रडार मिसाइल सिस्टम्स वगैरह की, बिकॉज आप सबको पता है ये होगा। उसके बाद उसको डिग्री दी जा रही है जो चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है। और मैं पीएन अलाउंसेस पे आता हूं, उससे पहले मैं बात करता हूं ट्रेनिंग की। सी आज का युवक हमारे से अच्छा है, हमारे से पहले वाला युवक, करेक्शन, हमारे से भूतपूर्व सैनिक हमसे खराब नहीं थे, बट हमारी खुराक ज्यादा अच्छी है, उनकी खुराक हमारे से कम थी। आगे आने वाला जो युवक है उसकी खुराक भी अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, वो एक टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है मोबाइल फोन के साथ, उसको पता है मोबाइल फोन का क्या है। और तो वो कल को जो ड्रोन वॉरफेयर हो, जो आप आज देख रहे हैं टीवी के ऊपर, एक टैंक चल रहा है, टैंक को टैंक नहीं लड़ रहा, टैंक को एक ड्रोन लड़ रहा है। तो आगे आने वाली जो लड़ाई है वो अलग किस्म की होगी, टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी। अगर वो टेक्नोलॉजिकली सैवी होगी तो उसके लिए अलग किस्म के लोग चाहिए, और वो कौन सा किस्म है? हमारा यूथ, भारत का नौजवान। ये भारत का नौजवान क्योंकि टेक्नोलॉजी के अडेप्ट है, वो पैदा हुआ है एक ये मोबाइल के साथ खेलता हुआ, कंप्यूटर के साथ खेलता हुआ, और वो आता कहां से है? गांव से। हमारी इनटेक 70% विलेज से,
नाउ अगर हमारी विलेज से 70% इनटेक है तो हमारे को जो सॉल्यूशंस बनानी है उनको मद्देनजर रख के बनानी है, ना कि जो अर्बन एरिया के लोग हैं। सो अगर इन 70% को देखा जाए तो वो कहां से आ रहे हैं, गांव से, उसके पास है क्या वहां पे, खेत या कोई छोटा मोटा व्यवसाय, वो उसकी क्लास या उम्र कितनी होगी, वो पढ़ा होगा तकरीबन 17.5 साल की उम्र होगी और पढ़ा होगा 10वीं साल, मेजर इनटेक। ये जो 70% बोल रहा हूं, ये सारी इनटेक हमारी उस किस्म की है जिस जो सोल्जर आपके लिए जाके आगे देश की रक्षा करता है, ये वो सोल्जर है जो 10वीं क्लास पास है। 12वीं क्लास के हम ले सकते थे, बट सी हमारा काम थोड़ा जोखिम का है। एंड आप देखते हैं जब भी युद्ध हुए हैं, कितनी चाहे ऑफ पवन हो, उसके बाद ऑफ पराक्रम हो, चाहे कारगिल वॉर हो, चाहे गलवान हो, आपकी भी यू नो आंखें भर जाती होंगी और आपका दिल पिघल जाता होगा जब आप देखते हैं बॉडीज नीचे आते हुए। तो ये काम थोड़ा अलग किस्म का है। तो आप इस काम को मद्देनजर रखते हुए हमने देखा कि इसकी उम्र 17.5 एक एंड पे, दूसरे एंड पे 21, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, ये पहले भी वही थी और आज भी वही है, तो इन दोनों में कोई तब्दीली नहीं है। उसके अलावा हमने पिछले सालों में क्या करा है, अपना फ्लैब कट करा है। फ्लैब का मतलब देखो टीथ टू टेल रेशियो की बात होती है, टेल कम करी है और कम होगी आगे आने वाले टाइम में। दूसरी ज्वाइंटनेस बढ़ी है, कुछ सालों पहले आईडीएस हेडक्वार्टर नहीं होता था, वो बनाए, तो इस तरीके की जो बीच बीच में चेंजेस है वो सब करी जा रही है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज ये है कि अगले 4 से 5 साल में हमारी इनटेक 50,000 से 60,000 होगी, इसको ब्लैंक कर दे, 50,000 से 60,000 होगी। ओके, 50,000 60,000 के बाद क्या होगा, ये इनटेक 90,000 से लेके 1.25 लाख होगी। सो इट इज नॉट 46,000, ये हमने क्यों करा है, इसलिए करा है स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट मीडियम, क्यों, सो दैट हमें भी इस स्कीम को चलाने के बाद सीखने को मिले कि इसमें दिक्कतें क्या है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ट्रेनिंग के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा, वो बढ़ाने के लिए बटन दबा के तो होगा नहीं, उसके टेंडर जाएंगे, उसका ये होगा वो होगा, उसको 3-4 साल लगेंगे, सो दैट हम अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटीज जो फौज की तकरीबन 60,000 के करीब है उसको बिल्डअप करके इस पॉपुलेशन को लेने के लिए जो 1.25 लाख होगी इसके लिए तैयार हूं। नाउ व्हाई 4 इयर्स, जो सब चीजों का मुद्दा है, 17.5 साल 21 साल मैंने आपको बताया उसके अंदर चेंज क्यों करा गया, इसलिए चेंज करा गया कि पिछले 2 साल के लिए कोविड की वजह से भर्ती बंद थी। भर्ती क्यों बंद थी, बिकॉज हम नहीं चाहते थे सारे एक जवान जिस तरीके से हम लोग एकत्रित हैं एक जगह के ऊपर करे जाए, तो हमने देखा कि इतनी सालों से हम इसकी स्टडी करते जा रहे हैं, अभी हमें एक मौका मिला है टू मेक अ चेंज विदाउट पेन, तो अगर ये चेंज विदाउट पेन हमने करना था इससे अच्छा मौका नहीं था करने का। इस पे स्टडीज चल रही थी, मैंने आपको बताया कारगिल रिव्यू कमेटी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिपोर्ट, ये सब स्टडी करते जा रहे थे, बट हमें मौका नहीं मिल रहा था कि ये कब करा जाए, बिकॉज इट वॉज अ ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म, हमें जरूरत थी आज नहीं 30 साल से जरूरत थी इस एज को कम करने की। इसका इंपैक्ट क्या होगा, गो नेक्स्ट। सी पहले मैं आपको पे अलाउंसेस का बता देता हूं, जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आर्मी का जो ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1st जुलाई वी विल हैव द नोटिफिकेशंस फ्रॉम ऑल द रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं जॉइन इंडिया आर्मी वेबसाइट पर। पहला जो रैलीज है हमारा ये 1st हाफ ऑफ अगस्त में शुरू हो जाएंगे। हमारा सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट थोड़ा सा फर्क है, इसमें हमारा पहला रैलीज होते हैं फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल, उसके बाद हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है एंड देन वी सेंड फॉर अ कॉल अप एज पर द मेरिट। तो इसलिए हमारा जो रैलीज अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर चलेगा, ये 2 बैचेस में हमारा इंडक्शन होंगे इनटू द ट्रेनिंग सेंटर्स। पहला जो लॉट है जो ज्यादातर तकरीबन 25,000 के आसपास है वो आएंगे बाय December 1st week और December 2nd week। द नेक्स्ट लॉट विल कम इन द 1st हाफ ऑफ February 2023। इन दिस होल अप्रोक्सीमेटली 40,000 ऑफ द रिक्रूट्स फॉर द अग्निपथ सिस्टम विल बी इंडक्टेड। ये जो रैलीज है हमारा तकरीबन 83 रैलीज होना है ऑल अक्रॉस द कंट्री, ऑल स्टेट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड एंड वी विल एंडेवर टू टच एवरी लास्ट विलेज इन द कंट्री। थैंक यू, जय हिंद। फर्स्ट वाइस एडमिरल डी के त्रिपाठी फ्रॉम द इंडियन नेवी, प्लीज। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन,
हम लोगों ने ना भारतीय नौसेना ने आपकी नौसेना ने जो कि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया है उस पर पूरा काम कर लिया है ऑलरेडी, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक हम लोग अपना जो एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को भेज देंगे। उसके बाद जैसा कि एयरफोर्स ने बताया, फिर से शुरू करता हूं मैं। तो जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है, और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। और मुझे हमारी जो टाइम लाइन्स हैं उसके हिसाब से 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर, हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। और जैसा कि आपको पता है, हमारे नौसेना अध्यक्ष ने पहले भी बताया था कि हम लोग अग्निवीर जो हमारे आएंगे नेवी में वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, तो विमेन अग्निवीर भी हम लोग ले रहे हैं, और उसके लिए अपनी जो हमारी ट्रेनिंग करिकुलम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो मैं 21 नवंबर का वेट करता हूं, और मुझे आशा है कि बोथ मेल एंड फीमेल अग्निवीर्स विल रिपोर्ट एट INS चिल्का। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एयर मार्शल झा से अपने स्टेटमेंट के लिए। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आपके माध्यम से एक जरूरी सूचना अपने यूथ को देना चाहता हूं कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे, और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी।